अस्सलाम वालेकुम। हम SIPD के एक और लेसन में आपको खुश आमदेद कहेंगे। लेसन में हम 2013 कराची बोर्ड का क्वेश्चन हल करेंगे लॉगरिथम की मदद से। आइए शुरू करते हैं। हमने लेट किया कि x बराबर है हमारे क्वेश्चन के, हमने बोथ साइड पे लॉग लिया तो हमें हासिल हुआ लॉग x इक्वल टू लॉग है हमारा क्वेश्चन। और अब हम इस क्वेश्चन पे लॉग अप्लाई करेंगे। और जैसे कि हम जानते हैं कि लॉग की प्रॉपर्टी हमें कहती है कि मल्टीप्लाई का जो निशान है उसको प्लस में तब्दील कर दो और डिवाइड के निशान को माइनस में चेंज कर दो। तो इस तरह से देखें, हमने इसको लिखा कि लॉग, ये जो पहली वैल्यू थी 86.2 का स्क्वायर, और फिर प्लस लॉग 37.37 और माइनस लॉग, ये हमारा 591 आ गया। अब हम देखते हैं कि हमें एक स्क्वायर भी नज़र आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई में ले आएंगे, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी कहती है कि पावर को मल्टीप्लाई में लिखो। तो ये देखें, इस तरह से हमने नेक्स्ट स्टेप में इस पावर को हम मल्टीप्लाई में ले आए लॉग के साथ, और बाकी वैल्यूज हमने वैसे ही निकाल दी। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमें हर वैल्यू का जो है हमें लॉग लॉगरिथम टेबल की मदद से उसकी वैल्यू को लिखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये देखें, ये हमारा लॉग टेबल है जिसके अंदर ये कॉलम्स देखेंगे और ये नंबर्स देखेंगे, और फिर ये दोनों जहाँ पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये इसको देखेंगे और अगर इसका हमें 3 देखना है तो ये यहाँ अगर जो वैल्यू होगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए हम 86 का जो है 86 का 2 देखते हैं कि हमारी क्या वैल्यू निकल के आई। तो हमने देखा कि ये 86 यहाँ पर है 86, और इसका 2012, यानी ये जो वैल्यू है वो हम यहाँ नोट करेंगे। तो आइए हम नोट करते हैं। और इससे पहले मैं आपको बताऊं कि इशारे से पहले 2 डिजिट था, तो इसका इसका प्रॉपर्टी 1 आ गया, 2 डिजिट का प्रॉपर्टी 1 आ गया, और ये 9355 हमने इसको वैसे ही उतार दिया। तो इस तरह 86.2 का जो वैल्यू आया वो 1.9355 आया, और ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हमने वैसे ही लिख दिया। आइए आगे बढ़ते हैं और अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जो क्या कहते हैं 37.37 का लॉग वैल्यू निकालते हैं और उसको लिखते हैं। तो आइए दोबारा लॉग टेबल खोलते हैं। ये हमने लॉग टेबल ओपन किया और इसी तरह से हमने इस साइड को देखा। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लूँ, और ये 37, यानी ये 37 हमें यहाँ मिला, और 37 का 0, 1, 2, 3 ये 5717 आया, और लेकिन इसमें एक चौथा डिजिट भी है जो 7 है। तो हम जानते हैं कि ये हमने यहाँ पर देखना है, तो 3, 3, 6 और ये 7 हमारे पास 8 है। तो ये जो 5717 में हम ऐड करेंगे तो बन जाएगा 5725। तो हम ये 5725 यहाँ नोट कर लेंगे, और इसका जो करेक्टर है वो 1 आएगा, क्योंकि इसके पॉइंट से पहले 2 डिजिट है। तो इस तरह से ये 1 आ गया हमारे पास। आइए आगे बढ़ते हैं, और ये हम माइनस का निशान लगाएंगे, और हम 559 का जो है वो टेबल देखेंगे। हम इस टेबल को थोड़ा बड़ा जूम कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। ये हमने जूम किया और 59 का हमें 1 चेक करना है लॉग में कौन सा वैल्यू है। ये 59 यहाँ पर है, और 0 1, यानी 7716, और क्योंकि पॉइंट से पहले इसमें 3 डिजिट है तो ये आ जाएगा 2.7716 हमारा इसका 591 का लॉग वैल्यू निकल आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखें कि यहाँ पे हमें सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी है, तो आइए कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई किया हमने 1.9355 को, और जिससे हमें हासिल हुआ 3.87110। और उसके बाद हम जो है नेक्स्ट अप्लाई करेंगे। तो ये हमने इसको इन दोनों को जमा कर कर और इसको माइनस किया, तो हमारे पास आया 2.6717। दोनों साइडों पे हमने एंटी लॉग लिया तो हमारे पास ये वैल्यू आई। और अब हम इस वैल्यू का एंटी लॉग देखेंगे, और हम जानते हैं कि एंटी लॉग पॉइंट के बाद से देखते हैं, यानी हम लॉग एंटी लॉग टेबल पर 67 का 1 चेक करेंगे क्या होगा। ये हमने खोला बिल्कुल इसी तरह से जैसे लॉग टेबल है, ये भी इसी तरह से काम करता है, लेकिन इसमें पॉइंट के बाद वैल्यू दी होती है, यानी 0.00 से शुरू होकर आगे बढ़ती है। तो हम देखेंगे इसके अंदर कि 67 का जो है
वो वन जो है और उसके बाद नाइन जो है वो क्या वैल्यू बनती है। तो आइए देखते हैं, तो ये 67 का 0 और 1, तो 67 का 1 हमें मिला 4688, और स्मॉल डिजिट में हमारे पास ये 9, में हमारे पास 9 है, तो इसमें हम 9 8 करेंगे, 4688 8 8 है, तो ये मेरे ख्याल से 9 5 बन जाएगा, 4698 बन गया, क्योंकि 9 ऐड करने से, और इसमें से 2 अदद के बाद ये इशारिया था, तो यहाँ से भी हम 2 अदद के बाद इशारिया लगाएंगे, और ये 969.8 हमारा आंसर हासिल हो जाएगा। आई होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि आपको हमारे वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। बहुत शुक्रिया।